जी, जो आज मेरी पिक ऑफ द डे है, पहले तो मैं बता दूं कि ये कंपनी आज ही लिस्ट होने वाली है। कंपनी का नाम है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, ये कंपनी का जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डेटा जो मिला है वो मुझे आपसे शेयर करना है। इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था लेटेस्ट ईयर का, वो कम से कम 315 करोड़ था। बुक वैल्यू करीबन 640 रुपया है। अर्निंग पर शेयर 92 रुपीज़ है। और इनके पास करीबन 11 लाख कस्टमर्स है वेल्थ मैनेजमेंट के, और करीबन 2 लाख करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, बहुत ही दिग्गज कंपनी है। बहुत समय तक मार्केट काफ़ी बड़ी इंतज़ार में इसको खरीदने की बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर 1200 या 1100 लेवल पे ये लिस्ट होता है, करीबन 2 टाइम्स करंट बुक वैल्यू पे, तो काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है लंबी रेस का घोड़ा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि अभी जो 2.25 लाख करोड़ का जो AUM है, वह 2028 तक ये 6 लाख करोड़ हो जाएगा। तो काफ़ी ग्रोथ बड़ी मात्रा में आने की उम्मीद है। और दूसरा शेयर अनिल जी, जो काफ़ी पुराना शेयर है, जो मुझे पसंद है, आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है, वो महानगर गैस है। देखिए, क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे, और CNG के प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहे। रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर भी काफ़ी कम है। पिछले साल कंपनी ने करीबन 6,300 करोड़ पे 790 करोड़ का प्रॉफिट किया। इस साल हमको लग रहा है कि कम से कम 975 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो करीबन 100 रुपये की अर्निंग इस साल आएगी। कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 10 टाइम के पी पे चल रहा है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। 3% डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन 1200 का टारगेट प्राइस लेके, यहाँ पे 6 to 8 months का नजरिया लेके इसको भी खरीदना चाहिए। तो ये दो स्टॉक्स मेरी तरफ MGL, जहाँ पर 1200 के टारगेट के साथ खरीदे। अविनाश जी, एक राय आपसे लेना चाहता हूँ, चूंकि आपने कहा कि नुमावा वेल्थ आज जो लिस्ट होने वाला है, किस प्राइस के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है बाजार का मूड अगर थोड़ा बहुत नरम हो, और अगर आपको 1000 रुपए के पास में भी मिले तो इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि 642 का बुक वैल्यू है। मुझे लग रहा है कि देखिए, नॉर्मली NBFCs और जो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनीज है, उनको मिनिमम से 2 to 3 times का तो प्राइस टू बुक मिलता है। और जिस प्रकार के इनके ग्रोथ प्लान्स है, एनीथिंग अराउंड 1000 रुपीज अगर आपको मिलता है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिएगा जिस प्रकार से अभी स्टॉक में अपसाइड आपने देखा है, मेरे ख्याल से ये सॉफ्टवेयर का चेंज ओवर तो एक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जो पोजीशनिंग है MCX का, वो काफ़ी यूनिक है। और मुझे लग रहा है कि इस साल ओवरऑल ब्रॉड जो फिनेंशियल्स है, वो MCX के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और काफ़ी समय तक थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बिजनेस ट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर कोई मार्केट में कोई कमजोरी आती हो, या हल्के लेवल पे MCX आता है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। मुझे लग रहा है अगले 12-15 महीने का एक बहुत अच्छा मल्टी ईयर रैली के लिए ये स्टॉक वेल पोजिशन है। तो आई थिंक डेफिनेटली वर्थ पिकिंग ऑन एवरी डिक्लाइन। पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक के लिए आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये जो UK गवर्नमेंट का डील हो गया है, ये बहुत समय से एक्सपेक्टेड था, लेकिन हो नहीं रहा था, अभी फाइनली हो रहा है। और जिस प्रकार से अभी क्रेडिट रेटिंग की भी इंप्रूवमेंट आने की बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड देखने का पोटेंशियल है। हालांकि देखिए, अभी भी ग्लोबल मेटल प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन डोमेस्टिकली मुझे लग रहा है कि स्टील की डिमांड और खपत काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए, और अगले 6 महीने में भी हमको लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड स्टील के लिए अच्छी बढ़ेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली, अगर किसी को मीडियम टू लंबी अवधि के लिए खरीदना है, तो डेफिनेटली इसमें छोटी पोजिशन बना दे। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, जो कमेंट्री पिछली बार आई थी वो थोड़ी सी कॉशियस थी, और मुझे लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर के बाद एक थोड़ी क्लेरिटी आएगी कि आने वाले साल में किस प्रकार से अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हेडविंड्स है US यूरोप से। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास है कोफोज, वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे ना करे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये स्टॉक FY24 के तो अर्निंग्स डिस्काउंट कर चुका है। तो आई थिंक थोड़े और डेटा पॉइंट्स आएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे खरीदना है कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ कंटिन्यू टू होल्ड। नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा कि देखिए, एस्ट्रल CPVC पाइप्स में एक मार्केट लीडर है, और हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है, वो कम से कम 25-30% का वॉल्यूम ग्रोथ होने की अपेक्षा रहेगी। सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़े हैं और सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, और अभी काफ़ी समय के बाद जो रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो प्रेशर है, वो भी कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, एस्ट्रल अपनी वॉल्यूम ग्रोथ से और अपने प्रोडक्ट रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वेल पोजिशनड है। जिनको लंबी नजरिए से ये स्टॉक लेना है, कम से कम साल 1.5 साल का, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी इतने भी सस्ते नहीं है, बट ये मार्केट लीडर है, कैपेसिटी भी सबसे बड़ी है।
तो डेफिनेटली अच्छी खासी अपसाइड आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बनेगी। तो मेरे ख्याल से यू नो इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए तो पोर्टफोलियो अति गजब का ऊपर लिस्ट हुआ सर। नहीं बिल्कुल अनिल जी, देखिए 4 टाइम प्राइस टू बुक पे करीबन ट्रेड हो गया है, और जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट ने यू नो कहा है, आई थिंक मार्केट्स काफ़ी उत्साहित है। आई थिंक मेरे ख्याल से स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। बिकॉज मेरे ख्याल से अभी लिस्ट हो गया तो क्वार्टरली नंबर्स, क्वार्टरली कॉमेंट्री, यू नो एनालिस्ट का इंट्रैक्शन शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली जिनको शेयर मिले हैं एडलवेस के यू नो शेयर लेने के बाद, तो डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए, अच्छी खासी ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर रहेगी। तो अविनाश जी, अब अगर किसी को फ्रेश खरीदना है तो किस लेवल पे? देखिए मेरे ख्याल से अभी तो कम से कम 2,500 का लेवल अगर आता है, करीबन 2,400-2,500, तो आई थिंक डेफिनेटली एक शॉट आप ले सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए ये नया प्लेयर है, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे काफ़ी, यू नो हद तक यू नो ये एक इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक बनेगा। तो 2,400-2,500 में अगर स्टॉक अगर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से इसमें एक छोटा सा पोजिशन आप ले सकते हो, अगेन मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये उम्मीद लगा रहा है कि जो ग्रोथ का नंबर है एयूएम में, ये इन्होंने कहा है कि 6 लाख करोड़ का एयूएम ये 2028 तक रिकॉर्ड करेंगे, करीबन अभी 2.25 लाख करोड़ है, तो ऑलमोस्ट यू नो 3 गुना ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3-4 साल। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, क्योंकि आप ऑटोज की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ऑटो कंपोनेंट में अमरा राजा बैटरीज मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, करीबन 13-14 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है। ये कंपनी बेसिकली यू नो ओलिगोपोली मार्केट में सिर्फ 2 प्लेयर्स में एक काफ़ी वेल नोन प्लेयर है। सारे सेगमेंट जैसे कि ऑटो एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये बैटरी सप्लाई करते हैं, इनफैक्ट टेलीकॉम और जो डेटा सेंटर्स का भी सेगमेंट है वहाँ पे भी बैटरी सप्लाई करते हैं। और कंपनी के नंबर्स बहुत ही दिग्गज है, करीबन 10,400 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल रिकॉर्ड किया था, 690 करोड़ का प्रॉफिट था। हमको लग रहा है कि इस साल अनिल जी कम से कम 775 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, करीबन 45-46 रुपीज़ की अर्निंग्स आएगी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 17 करोड़ की इक्विटी है और करीबन मुश्किल से 100 करोड़ का कर्जा है, 600 करोड़ की कैश है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आराम से इस कंपनी में अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अमरा राजा बैटरीज टारगेट भी बताने पड़ेंगे सर आपको। हाँ अनिल जी, टारगेट है 775 अगले 6 से 12 महीने में। ये स्टॉक 770-775 के लिए वेल पोजिशनड है, तो इसको जरूर करंट प्राइस जो 640 है इसको खरीद लीजिए, अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, 640 के आसपास करें एंट्री, 775 का रखें टारगेट, 6 से 12 महीने के लिए अमरा राजा बैटरीज खरीदने की राय अविनाश जी की तरफ से।